नमस्कार जैन साथियों, जैसा कि बोर्ड परीक्षा बहुत करीब है और हम क्लास 12th केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं जो कि आसान भाषा में समझा जाए इसे। देखिएगा, हमारा यूनिट वन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, यूनिट सेकेंड है एल्कोहल फिनाल एंड ईथर, यूनिट थर्ड है आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्जिलिक अम्ल, उसको हमने नहीं शामिल किया है। हमने यूनिट फोर को शामिल किया है जो यूनिट फोर है एमीन। तो फिलहाल हम तीन यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जो कि आपको रटना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और परीक्षा में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, हम उन प्रश्नों को देखेंगे। देखिएगा, जैसा कि पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, तो हम हेलो एरिन के कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि रिंग से होता है, बेंजीन रिंग से। देखिएगा, जैसा कि हम पहले रिंग में, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इसमें ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग, इसमें इस पोजीशन को बोलते हैं हम आर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जो सिर्फ रिंग में आर्थो पे और पैरा पे ही क्रिया करते हैं, कुछ मेटा पे भी एक्टिव होते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि आर्थो और पैरा पे कौन क्रिया करता है। देखिएगा, अगर आपका क्रियात्मक समूह है हेलोजन, अब हेलोजन आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर आपका क्रियात्मक समूह हैलोजन है तो आपका ये रिएक्शन होगा आर्थो पे और पैरा पे, आर्थो पे और पैरा पे। अगर आपका क्रियात्मक समूह है OH, इसको हम फिनाल कहते हैं, तो ये भी रिएक्शन करेगा आर्थो पे और पैरा पे। अगर आपका क्रियात्मक समूह है NH2, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, तो ये भी रिएक्शन करता है आर्थो पे और पैरा पे। तो आपके हाइड्रोजन हो गए, फिनाल के समूह हो गए और एमीन के समूह हो गए, ये जो है आर्थो और पैरा पे सक्रिय होते हैं। आर्थो और पैरा सक्रिय होते हैं। अब देखिएगा, परीक्षा में जैसे प्रश्न आता है कि हम आपको प्रश्न भी दिखा, देखें ये आर्थो पैरा ही क्यों होता है, अगर फिनाल है आपका ये आर्थो पे रिएक्शन करता है, पैरा पे करता है। ये भी जो आपका हेलो एल्केन है, हेलो एरिन है, ये आर्थो पर और पैरा पर क्रिया करेगा। आपका जो एमीन समूह लगा होता है रिंग पे, ये भी आर्थो और पैरा पे ही क्रिया करता है। अब इस पर तो हम चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल जो कि हमारा पेपर बहुत नज़दीक है तो हम देखेंगे कि कम समय में अच्छी तैयारी कैसे हो सकती है। देखिएगा, एग्जाम में जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाए आपको, ऐसा दे दिया जाए कोई भी हैलोजन यहां लगा सकते हैं हम, क्लोरीन लगा सकते हैं, फ्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, तो यहां पे या तो फिर OH, चाहे OH लगा सकते हैं और या तो फिर हम NH2 लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ हाइलोजन लगाते हैं तो हाइलोएरिन हो जाएगा, OH लगाते हैं तो फिनाल हो जाएगा, NH2 लगाते हैं तो ये एनिलीन हो जाएगा। अब इसकी क्रिया अगर परीक्षा में आ जाए कि इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हैलोजनीकरण, हेलोजनीकरण।
तो यहां आपका प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखिएगा, प्रोडक्ट आपका अगर आप ब्रोमीन से इन सब की क्रिया कराते हो तो ऊपर आपका जो भी समूह है वो ऐसे उतर जाएगा, वही आपका कॉपी हो जाएगा यहां पे, जो भी आपका समूह है। अब मान लीजिए आपका यहां ब्रोमीन से रिएक्शन होना है तो ये दो बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये जो समूह है हैलोजन है OH है NH2 है, ये आर्थो पर और पैरा पर क्रिया करते हैं, और ये आपका हैलोजन या हो फिनाल हो या एनिलीन हो, इसको आपको ऐसे ही कॉपी कर देना है। देखिएगा यहां देखने में एक रिएक्शन है लेकिन एक रिएक्शन नहीं है, ये तीन रिएक्शन है आपका। अब जैसे कि अभी परीक्षा में आ जाए क्या होगा अगर क्लोरोबेंजीन की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाए, तो आपका यहां पे हाँ थोड़ा हमारे स्पेस कम है तो ये सीएल है आपका, और ये हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं सीएल है, और ये हमारा ब्रोमीन दो है, एक आर्थो पोजीशन पे और एक ब्रोमीन हमारा पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। इस प्रकार अगर पेपर में आ जाए क्या होगा अगर फिनाल की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाए, या फिनाल का हैलोजनीकरण अभिक्रिया दर्शाइए, तो आपका ये रिएक्शन यहाँ OH लग के बन जाएगा। आ जाए परीक्षा में क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, तो ये आपका बन जाएगा। देखिएगा विगत वर्षों में जो कि प्रश्न पूछे गए हैं हम आपको दिखाते हैं एक बार, आप यहां देख सकते हैं वो 2020 में प्रश्न आया था कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। फिर प्रश्न फिर बदल के दो साल बाद फिर आया हुआ है 2022 में, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है नाइट्रीकरण हैलोजनीकरण सल्फोनीकरण। तो हैलोजनीकरण में आपका यही रिएक्शन बनना है, यहाँ आप क्लोरोबेंजीन लेंगे और अगर हम इसका ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ आपका आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, टॉप पोजीशन पे जो भी है वो वैसे ही आपको लगा देना है। यही रिएक्शन सपोज करिए कि फिनाल में पूछ लिया गया तो यहाँ OH आपका ऐसे लग जाएगा। यही रिएक्शन सपोज करिए कि एनिलीन में पूछ लिया गया तो आपका यहाँ NH2 टॉप पोजीशन पर ऐसे ही लग जाना है। अब आपका हम आगे भी बढ़ेंगे, अभी हमारा हैलोजनीकरण हुआ है, इसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजनीकरण है सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण, तो इसमें तो एक चैप्टर का है, हम यहाँ तीनों का पढ़ेंगे, चाहे हैलोएरीन हो चाहे फिनाल हो चाहे एनिलीन हो, हम तीनों की क्रिया यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। आगे देखिएगा ऐसे ही सेम एक रिएक्शन हम और पढ़ते हैं। मान लीजिए आपका रिंग है और आपका चाहे तो हैलोएरीन पूछ सकता है या फिनाल में पूछ सकता है, यहाँ NH2 यानी एनिलीन में भी पूछ सकता है। देखिएगा यहाँ यक्स के स्थान पे फिर मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अगर आप फ्लोरीन लोगे तो फ्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लोगे तो आयोडोबेंजीन। फिलहाल ये अधिकतर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन पे और ब्रोमोबेंजीन पे ही पूछी जाती है। तो देखिएगा अगर आ जाए कि इसका सल्फोनीकरण क्या होगा, तो सल्फोनीकरण में हम H2SO4 से क्रिया करवाते हैं, सल्फोनीकरण में वो भी सांद्र कंडीशन में H2SO4 होता है, सल्फोनीकरण कंसंट्रेट आपका H2SO4 होगा। और यहाँ पे जो भी समूह आप लेंगे, फिनाल का आ जाए सल्फोनीकरण, एनिलीन का सल्फोनीकरण आ जाए, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण आ जाए, ब्रोमोबेंजीन का सल्फोनीकरण आ जाए, किसी का भी आ जाए, यहाँ हम लिख देते हैं सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में आपका क्या होगा, सेम वही आपका दो रिंग बनेगा,
दो रिंग बनेगा, एक एक और बनेगा, दो रिंग बनेगा। और रिंग पे यहाँ पे आपको जैसा भी रहेगा वैसे ही कॉपी कर देना है। अगर आप फिनाल लेते हो तो OH लगा देना है, अगर आप एनिलीन लेते हो तो NH2 लगा देना है, अगर आप कोई हैलोजन लेते हो तो हैलोजन वहाँ ऐसे ही लगा देना है। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, H2SO4 है तो H2SO4 का एक O और एक H निकाल लेना है, OH निकाल लेना है, तो यहाँ बचेगा HSO3। अब इसको हम यहाँ ऐड करेंगे तो SO3H, क्योंकि हमें बॉन्ड देखना है तो बॉन्ड कौन बनाएगा, तो इसमें सल्फर आपका बॉन्ड बनाएगा, तो यस आपको आगे कर देना है SO3H, और एक यहाँ भी लगेगा। ये हमारा अल्प होता है, ये हमारा मुख्य उत्पाद बनता है, क्योंकि दोनों उत्पाद यहाँ हमारे बनेंगे। अब देखिएगा यहाँ जो OH है बचा हुआ था, और यहाँ जहाँ SO3 जुड़ा होगा वहाँ से H निकला होगा, और ये दोनों मिला के क्या बना दिए होंगे, तो ये दोनों मिला के H2O बना लिए होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे जो कि ब्रोमीन था हमारे पास, ये दो आपको दिख रहा है, एक अल्प होता है एक मुख्य होता है, तो ये ब्रोमीन एक बचा हुआ है, एक तो यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक H बचा हुआ है, तो एक Br बचा हुआ है एक, और जहाँ ये ब्रोमीन जुड़ा होगा वहां से H निकला होगा, तो वो ब्रोमीन H के साथ में HBr बना लेगा। ये आप दो मत देखिए, ये एक ही है, कुछ मात्रा में ये बनेगा कुछ मात्रा में ये बनेगा। अब देखिएगा इसी प्रकार ये सल्फोनीकरण, तो जैसा कि अभी हमने दिखाया है क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण रिएक्शन पूछा गया है 2020 में और 2022 में यूपी बोर्ड में। अब देखिएगा इसी क्रम में अगर आ जाए परीक्षा में आपका आ जाए नाइट्रीकरण, अब नाइट्रीकरण किसी का भी पूछ सकता है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन या एनिलीन का या फिनाल का, तो OH यहाँ पे नाइट्रीकरण जब कराओगे आप HNO3 से क्रिया, HNO3 से क्रिया, तो देखिएगा यहाँ आपका जैसे भी है, चाहे आपका फिनाल हो चाहे आपका हैलोजन हो चाहे आपका एनिलीन हो, यहाँ भी वही चीज़ हम उतार देंगे वैसे ही, चाहे आपका OH हो चाहे हैलोजन हो चाहे एनिलीन हो, और यहाँ भी आपका चाहे आपका OH हो चाहे आपका हैलोजन हो और चाहे आपका एनिलीन हो NH2 और आपका चाहे हैलोजन कुछ भी हो, आपको ऐसे ही उतार देना ऊपर जिसका भी रहेगा। HNO3 से क्रिया कराएंगे तो क्रम हमारा वही है, क्योंकि हमारा एसिड है और एसिड में हमको OH निकाल लेना होता है, तो OH अगर हम इसका निकालेंगे, एक O एक H निकल गया, तो यहाँ बचा वो दो बचा है और N, तो ये NO2 बचा है, तो हमको क्या करना है, NO2 यहाँ लगा देना है और ये NO2 हमारा यहाँ लग जाएगा। ये हमारा अल्प है, ये हमारा मुख्य उत्पाद है। फिनाल में एक और क्रिया पूछी जाती है, फिनाल की क्रिया HNO3 से पूछी जाती है, अक्सर करके पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसलिए हमने फिनाल को आगे कर दिया है। फिनाल में ही एक क्रिया और पूछी जाती है, फिनाल की क्रिया अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां बनता है यहां हमारा ऐसे लगा रहेगा, यहां आपका NO2 लगेगा, यहां आपका NO2 लगेगा और यहां भी आपका NO2 लगेगा। यहाँ भी हम वही क्रम अपना रहे हैं, क्योंकि बंध जो है नाइट्रोजन बनाएगा तो हमको वो बाद में लिखना है। इसका नाम है
2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये आता है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो फिनाल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर फिनाल जो है पिक्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बोर्ड के लिए। अब देखिएगा उसी क्रम में एक रिएक्शन और है, अगर यहाँ पे आपका चलिए हैलोजन हो सकता है, OH हो सकता है, फिनॉल हो सकता है और NH2 हो सकता है, परीक्षा में पूछ लेता है ब्रोमीन जल से क्रिया होती है इनकी, ब्रोमीन जल, देखिए ब्रोमीन से जब क्रिया होगी तो पीछे भी हमने आपको बताया था कि केवल जब ब्रोमीन से क्रिया करते हैं तो आपका यहाँ देखिएगा, जब केवल ब्रोमीन से क्रिया होगा तो आपका आर्थो और पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा, इसमें से कुछ भी हो सकता, कोई भी हो सकता है, हेलोइरेन हो सकता है, फिनाल हो सकता है, एनिलीन हो सकता है, लेकिन जब बात करेगा ब्रोमीन जल से, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये कन्फ्यूजन रहती है कि ब्रोमीन जल ब्रोमीन, तो हम ब्रोमीन वाला रिएक्शन बना के चले आते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। जब ब्रोमीन जल से क्रिया कहेगा तो आपका रिंग दो नहीं बनेगा, एक ही बनेगा, और आपका ऊपर जो भी है ऐसे ही आपको कॉपी कर देना है, चाहे वो फिनाल हो, चाहे आपका एनिलीन हो, और चाहे आपका कोई भी हैलोजन हो, हेलो एरिन हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, कुछ भी हो, जब ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो एक ब्रोमीन आपका यहाँ लगेगा, एक ब्रोमीन आपका यहाँ लगेगा और एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। अगर फिनाल है तो फिनाल है, यहाँ क्लोरीन लगाओगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो क्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो क्लोरोबेंजीन, और अगर एनिलीन लगाओगे तो 2,4,6, क्योंकि ये 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे है और ये 6 नंबर पे है, जैसे यहाँ पे भी था ये 2 नंबर पे था, ये 4 नंबर पे था और ये 6 नंबर पे था, तो आपका यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, देखिएगा यहाँ आपका अब के देखने में लग रहा है एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन नहीं है, यहाँ 3 रिएक्शन है, और 3 भी नहीं, आपका यहाँ यक्स के स्थान पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, तो आपका यहाँ 3 तो वैसे ही भी हैं अगर एक एक आप लेते हैं, लेकिन अगर हाइलोजन बदल के भी लेते हैं तो आपका एक रिएक्शन और मिलेगा, 3 रिएक्शन और मिल जाएंगे, तो 6 रिएक्शन आपके हो गए। इसी क्रम में हम आगे भी और देखें तो हमारा नाइट्रीकरण हो गया, सल्फोनीकरण हो गया, फिर हाइलोजनीकरण हो गया, और कौन कौन से हाँ एल्किलीकरण देख लेते हैं। एल्किलीकरण, तो एल्किलीकरण में क्या होता है, देखिए परीक्षा में एल्किलीकरण के ही नाम से आता है, जैसे एल्किलीकरण भी पूछ सकता है और आपसे पूछ सकता है फ्रीडल क्राफ्ट सक्रिया, तो एल्किलीकरण में क्या होता है, हम फिर अब वही आपको बताएंगे, कोई भी हैलोजन लीजिए, चाहे फिनाल लीजिए और चाहे आप NH2 यानी एनिलीन ले लीजिए। एल्किलीकरण में क्या होता है, आपका CH3 Cl से रिएक्शन होगा, कोई भी एल्किल हाइलाइड हो तो CH3Cl हम ले लेते हैं, और कोई भी एल्किल हाइलाइड यहां हो सकता है, वो भी निर्जल AlCl3 यानी विथाउट वाटर हो, AlCl3 निर्जल होना चाहिए, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन में भी पूछा जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। तो जब एल्किलीकरण आप कराएंगे यानी फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कराएंगे तो आपका वैसे ही जैसे भी आपने ब्रोमीन वाला पढ़ा, जैसे आपने नाइट्रिक अम्ल वाला पढ़ा, आपको दो रिंग बना लेना है, दो रिंग बना लेना है
और दो रिंग बनाने के बाद में आपको टॉप पोजीशन पे जैसे है चाहे हेलोजन चाहे ओएच चाहे एनिलीन, आपको ऐसे ही कॉपी कर लेना है, जो भी रहेगा आपको कॉपी कर लेना है। ओएच आपको एनएच टू कॉपी कर लेना है, और आपका यहाँ से CH3 एक यहाँ लगेगा क्योंकि ये आर्थो और पैरा ही सक्रिय होते हैं, पहले ही बता दिया हमने। मेटा पे कोई क्रिया नहीं, सिर्फ यहाँ और यहाँ क्रिया होगी, इन तीनों में कोई भी हो तो आपका ये बनेगा। अब इसका नाम अगर देखें तो क्या नाम है, आर्थोमेथिल, और जो भी आप लेंगे आर्थोमेथिल, अगर आप यहाँ क्लोरोबेंजीन लेते हो तो आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, OH लेते हो तो आर्थोमेथिल फिनाल हो जाएगा, और NH2 लेते हो तो आर्थोमेथिल एनिलीन हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये एल्किलीकरण हो गया। इसी में एक और आता है एल्किलीकरण में ही, एसिटिलीकरण, इसका नाम है एल्किलीकरण, और इसी में एक और आता है एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण में क्या होता है, एसिटिलीकरण में आपका एक रिंग होता है, इसमें भी रिंग के ऊपर कोई भी आपका क्रियात्मक समूह लगा हो सकता है, हेलोजन हो या OH हो या तो आपका CHO सॉरी NH2 हो, और इसकी क्रिया अगर हम CH3COCl से कराते हैं, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। आपका ये भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है, विथाउट वाटर। इस अभिक्रिया को भी हम फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया ही कहते हैं। इसमें भी आपका रिंग दो बनेगा, और यहां आपका जैसे भी जो भी रहेगा वो आपको कॉपी कर देना है, चाहे आपका हेलोजन हो चाहे आपका OH हो चाहे आपका NH2, यहां कोई परिवर्तन नहीं होना है, हेलोजन हो OH हो या NH2 हो। अब यहां से आपका क्या करना है, अच्छा यहां भी देखिएगा थोड़ी सी यहां नहीं बताई गई, जैसे AlCH3 तो लग गया, ये Cl कहां गया, तो Cl जहां CH3 लगा होगा वहां से एक H निकला होगा और ये Cl HCl बना लेगा। ऐसे यहां भी है, ये CH3CO आपको ऐड कर देना है यहां पे, तो CO CH3, और यहां भी आपका CO CH3, और जहां ये Cl जहां ये H निकला होगा जहां ये लगा होगा वहां से H निकला होगा, और ये Cl क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो आपका एल्किलीकरण हो गया, एसिटिलीकरण हो गया, इसका नाम है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण एसिटिलीकरण हो गया, एल्किलीकरण हो गया जिसको हम फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। आपका ब्रोमीन जल हो गया, ब्रोमीन जल से क्रिया जब होगी दो चार से ट्राइब्रोमो, और जो भी है आपका OH लगाओगे तो फिनाल बन जाएगा। आपका नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो गया फिनाल की, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 की अधिक में, यानी सधु में H2SO4 सधु में HNO3 लेते हैं तो ये बनता है आपका। और इसके बाद में पीछे देखा गया था आपका, यहाँ आप देखेंगे तो बात हुई थी हेलोजनीकरण की, हेलोजनीकरण में कोई भी हेलोजन से क्रिया होता है, तीनों में से कोई हो सकता है। आपका यहाँ तीन चैप्टर लिया गया है, चाहे आपका क्लोरोबेंजीन वाला हो या ब्रोमोबेंजीन वाला हो या आइडोबेंजीन वाला हो, चाहे फिनाल वाला चैप्टर हो चाहे एमीन वाला चैप्टर हो, हमने तीनों चैप्टर एक साथ लिया है। तो ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो ये आपका बनना है। फिर आपका यहाँ हमने एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल लिया था कि क्लोरोबेंजीन लेते हो तो भी आपका ये बनेगा, और यहाँ आपका है सांद्र H2SO4 जिसको आप सल्फोनीकरण कहते हैं। सल्फोनीकरण किसी के लिए भी हो सकता है, हेलोएरीन के लिए भी हो सकता है, फिनाल के लिए भी हो सकता है, और एनिलीन के लिए भी हो सकता है। तो आपका ये बन गया था। और आपका यहाँ देखें तो नाइट्रीकरण हुआ है HNO3 से क्रिया, और ये आपका NO2 यहाँ, NO2 यहाँ हो जाएगा आर्थो की ओर पैरा। तो आपने देखा कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आर्थो और पैरा निर्देशी समूह ही होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका फिनाल वाला हो गया, और फिर आपका एमीन वाला हो गया। तो ये आर्थो और पैरा निर्देशी समूह हैं, ये जो अभिक्रिया देते हैं योगात्मक अभिक्रिया, ये आर्थो और पैरा पर ही देते हैं जब हम रिंग की बात करते हैं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे।